फाइनली फिर से सलमान खान ने रेस 3 की शूटिंग कर दी शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। पिछले हफ्ते सलमान खान को काले हिरण के केस के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। इसके लिए सलमान खान को 2 दिन जेल में भी रहना पड़ा था, पर बाद में करोड़ों लोगों के सपोर्ट की वजह से सलमान खान को बेल मिल गई थी। लेकिन अभी तक सलमान खान ने रेस 3 की शूटिंग शुरू नहीं की थी। लेकिन बता दूं कि आज से सलमान खान ने रेस 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। यह शूटिंग मुंबई में हो रही है और सेट पर से पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें सलमान खान, देजी शाह और जैकलिन दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर में सलमान खान काफी हैंडसम और जैकलिन और देजी शाह हॉट लग रही है। बस ये फिल्म की शूटिंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये फिल्म की आखिरी शूटिंग है और शूटिंग खत्म होने के बाद आपको ट्रेलर भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, रेस 3 की आपको ये तस्वीर कैसी लगी और आप क्या कहेंगे ये फिल्मों को लेकर, वो हमें कमेंट करें। खिलाड़ी को पछाड़ के सिंघम निकल गए आगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं। अभी तक देखा जाए तो बॉलीवुड के खिलाड़ी अजय देवगन के आगे थे, लेकिन अजय देवगन ने अब अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, कैसे हम आपको बताते हैं। रेड फिल्म से पहले देखा जाए तो अक्षय कुमार की 8 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी। जबकि बबात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन की 7 फिल्में 100 करोड़ क्लब में थी, यानी कि अक्षय कुमार से एक कदम पीछे। लेकिन रेड फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और इसी के साथ ही अजय देवगन की 8 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है, यानी कि 100 करोड़ क्लब में अजय देवगन और अक्षय कुमार दोनों इक्वल है। लेकिन हम बात करें 200 करोड़ क्लब की, तो अजय देवगन की एक फिल्म गोलमाल अगेन 200 करोड़ को पार कर चुकी है, जबकि अक्षय कुमार की अभी तक कोई फिल्म 200 करोड़ को क्रॉस नहीं कर पाई। यानी कि 200 करोड़ क्लब में अक्षय कुमार से बड़े सुपरस्टार है अजय देवगन, और इसी के साथ ही अजय देवगन ने अक्षय कुमार को पीछे छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे अजय देवगन और अक्षय कुमार को लेकर, और इसमें से आपके फेवरेट एक्टर कौन से है, वो हमें कमेंट करें। सिकंदर हॉलीवुड के सुपर हीरो के साथ नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। जब से रमेश तौरानी ने रेस 3 के ट्रेलर को लेकर खुलासा किया है कि रेस 3 का ट्रेलर अप्रैल महीने के लास्ट वीक में या तो मई महीने के फर्स्ट वीक में रिलीज होगा, तब से बहुत सारे र्यूमर आ रहे थे कि रेस 3 का ट्रेलर एवेंजर के साथ आएगा, लेकिन ये बिल्कुल अफवाह है। जी हाँ, उनकी खुद पुष्टि ये फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने की है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि ये फिल्म का ट्रेलर एवेंजर के साथ रिलीज किया जाएगा। और वैसे भी सलमान खान को एवेंजर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद बॉलीवुड के एक सुपर हीरो है। और सलमान खान का ट्रेलर किसी भी फिल्म के साथ अटैच नहीं किया जाएगा, फिर भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन करेगी, क्योंकि पिछले कई समय से ये फिल्म बहुत ही चर्चे में है। बता दें कि हर दर्शक बेसब्री से रेस 3 का ट्रेलर का इंतजार कर रहा है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि सलमान खान के रेस 3 का ट्रेलर एवेंजर के साथ ही रिलीज किया जाए। और ये न्यूज को रमेश तौरानी ने गलत भी बताया है, यानी कि रेस 3 का ट्रेलर एवेंजर्स के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। एवेंजर्स द इन्फिनिटी वॉर 27 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। हो सकता है कि ये ट्रेलर 27 तारीख के बाद या पहले ही रिलीज हो जाए। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान खुद ही एक सुपर हीरो है, उनको हॉलीवुड के सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आई तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।